विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला शनिवार को मां चंडी की पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। पांडुना में जाम नदी के किनारे हुए गोटमार मेले में पांडुना और सावरगांव पक्ष के बीच जाम नदी के दोनों छोर से पथराव हुआ, जिसमें 330 लोग घायल हो गए जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। पांडुना निवासी निखिल डबरे के पैर में फ्रैक्चर हो गया, वहीं फकीर लुकिया सिंह का भी पैर फ्रैक्चर हो गया। मेले में सबसे पहले सुबह पलाश के पेड़ रूपी झंडे को पांडुना और सावरगांव का विभाजन करने वाली जाम नदी में मजबूती से गाड़ दिया गया, जिसके बाद सुबह 11 बजे से पत्थरबाजी का दौर शुरू हुआ। दोपहर 3:40 पर जब पांडुना की टीम ने झंडा तोड़ा, इसके बाद मेले के समापन की विधिवत घोषणा की गई। पांडुना से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए अनुभव रूबी की रिपोर्ट।